नमस्कार साथियों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हमने कोई भी टेंडर यदि जेम पोर्टल पर प्रोसेस किया है तो हम उसका स्टेटस किस प्रकार जान पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लिखेंगे जेम पोर्टल। ये हम जेम पोर्टल पर आ जाएंगे। जेम पोर्टल पर आने के पश्चात देखिए साथियों, मोबाइल पर पूरे ऑप्शन नहीं दिख पाएंगे, इसलिए इस मोबाइल की स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेते हैं। ये हमने डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लिया। अब हमने जो टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर प्रोसेस किया है उसका स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरवर्ड एक्शन और इसके बाजू में देखिए बिड्स, ये बिड्स पर क्लिक करेंगे। बिड्स पर क्लिक करने के पश्चात देखिए इसमें सेकंड नंबर पर बिड ओब्लिक आरए स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने अपना बिड स्टेटस जानने के लिए बिड ओब्लिक आरए स्टेटस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए इतनी सारी ये सब बिड आ गई है जिनका कोई इवेल्युएट हो गई है, कोई इवेल्युएट नहीं हो, इस प्रकार भी सर्च कर सकते हैं। इसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर पेज पर जाते हुए या आपने जब टेंडर प्रोसेस किया उस टाइम आपको बिड नंबर मिला है उस बिड नंबर को यहाँ पर बिड ओब्लिक आर ए नंबर के जगह एंटर कीजिए। मैं देखिए यहाँ पर बिड नंबर एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया और सर्च बार को क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये बिड का स्टेटस आ गया है, ये इसमें बिड अवार्ड हो चुकी है। तो इसकी रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने व्यू रिजल्ट पर क्लिक किया था। ये बिड डिटेल देखिए, ये व्हीकल हायरिंग के लिए किया था। तो ये देखिए बिड डिटेल आ गई यहाँ पर। बिड डिटेल के पश्चात पूरा देखिए ये आ गया बिड डिटेल। टेक्निकल एवेल्युएशन, टेक्निकल एवेल्युएशन में देखिए इसमें कितनी फर्म ने पार्टिसिपेट किया था, 6 फर्म ने किया था। 6 में से देखिए 3 डिसक्वालीफाई हो गई है और 3 क्वालिफाई हुआ। 3 का फाइनेंशियल इवेल्युएशन हुआ तो उसमें देखिए फर्म एम एस वेदांत एक्सपोर्ट को ये बिड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, L1 रैंक पे आया था। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से अपना बिड स्टेटस देख लेंगे साथियों। इसको देखने के पश्चात हम देखिए वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये बिड नंबर है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा LOA डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया तो ये हम बड़ी आसानी से अपना LOA भी इशू कर लेंगे। यदि स्टेटस पर बिड हमारी कंप्लीट हो चुकी है अर्थात बिड अवार्ड हो चुका है तो हम उसको उसका LOA इस पर सिस्टम जनरेटेड LOA डाउनलोड कर लेंगे और इस प्रकार बड़ी आसानी से हम अपना कोई भी टेंडर जो हमने जेम के पोर्टल पर प्रोसेस किया है उसका लाइव स्टेटस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अवार्ड हुआ है या नहीं हुआ, या किस स्टेज में, टेक्निकल एवेल्युएशन में है या फाइनेंशियल एवेल्युएशन में है, या बिड अवार्ड हो चुका है लेकिन LOA इशू नहीं हुआ। इस प्रकार साथियों बड़ी आसानी से हम अपने टेंडर का स्टेटस जान सकते हैं। यदि आप भी टेंडर या इंडेंट के काम करते हो तो आप अपना जेम पोर्टल पर इस प्रकार स्टेटस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू साथियों।